So we have a book of CompuTIA Security Plus Guide to Network Security, and today's topic is Vulnerability Assessment. Vulnerability को हम assess कैसे कर सकते हैं? The first step in any security protection plan begins with assessment of vulnerabilities. जब भी हम बात करें security की, protection की बात करें, तो सबसे पहला हमारा motto ये होना चाहिए कि हमने vulnerabilities को assess करना है. जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, vulnerabilities loophole is a capability of a network, is a capability of organization to get in attack. या आप ये weakness कह सकते हैं, weakness of an organization जिसकी वजह से उसके ऊपर attack हो सकता है, that is called vulnerability. So you need to have to assess all the vulnerabilities in your network, in your organization, in your computer. A variety of techniques and tools can be used in evaluating the level of vulnerability. If you have vulnerability in your network, what is the level of that vulnerability? आपके पास अगर network में vulnerability है, तो उसका level क्या है? There are different levels of vulnerability. थोड़ी सी vulnerability है, या फिर उसका level थोड़ा सा high है. Level high होगा, तो नुकसान भी उतना high होगा. अगर level कम है, तो loss भी कम होगा. अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो vulnerability assessment है क्या? ये एक systematic methodological evaluation है हमारे assets की. यहां पर लफ्ज assets का मतलब क्या है? Asset, if you have people in your organization, तो वो एक asset है. अगर आपके पास hardware है, तो वो एक asset है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह किया है कि वहां पे पौधे हैं, तो पौधे आपके एसेट्स हैं. ऐसी कोई भी चीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रही है, वो आपका एसेट है. तो एक सिस्टमैटिक वे से अपने एसेट्स को आइडेंटिफाई करना, चेक करना कि एसेट्स के अंदर क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है. लेट्स हैव एन एग्जांपल कि आपके पास यू हैव 250 एम्प्लॉइज इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो उन लोगों में ऐसा कोई लूप होल है जिस वजह से आपके डाटा को कंप्रोमाइज किया जा सके. लोगों को टेस्ट करें आप, फिर उसके बाद हार्डवेयर को टेस्ट करें. इफ यू आर रनिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज प्लेटफॉर्म इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस कुड बी वेरी वल्नरेबल, क्योंकि विंडोज के अंदर तो एक बग ऑलरेडी मौजूद है. आप भी उससे फेमिलियर हैं कि विंडोज 7 का पासवर्ड बाईपास हो जाता है. तो ये एक वर्नेबिलिटी है उसके अंदर, जिस वर्नेबिलिटी को हैकर्स ने, क्रैकर्स ने कैश किया है और उसके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया है कि आप इस तरह इसको बायपास कर सकते हैं. एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं असेसमेंट के? सबसे पहले तो आपने एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से एसेट्स हैं. उसके बाद थ्रेट को वैल्यूएट करना, वर्नेबिलिटी अप्रेजल है. उसके बाद रिस्क असेसमेंट है और रिस्क मिटिगेशन है. ये तीन चार काम है, पांच जो आप करते हैं जब भी वर्नेबिलिटी को असेस करना होता है आपने. इफ वी टॉक अबाउट द वर्नेबिलिटी असेसमेंट, तो सबसे पहला स्टेप जो हमने किया था वो एसेट आइडेंटिफिकेशन था. प्रोसेस क्या है इसके अंदर? आपकी जो इकोनॉमिक वैल्यूज हैं, ऐसी तमाम चीजें जो इकोनॉमिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, वो कौन कौन सी हो सकती है, उनको आइडेंटिफाई करना. उनमें कॉमन एसेट्स आपके कौन से? पीपल हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है. इवन दो योर बिल्डिंग इज योर एसेट, क्योंकि बिल्डिंग इज कंट्रीब्यूटिंग इन योर इकोनॉमिक्स. ओके, जब आपने इन्वेंटरी बना ली, इन्वेंटरी का आपको पता चल गया कि ये मेरे पास एसेट्स हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन ईच आइटम्स रिलेटिव वैल्यूज. इसमें फैक्टर जो आपने कंसीडर करने हैं वो ये हैं, एसेट्स आपके जितने भी हैं वो कितने क्रिटिकल हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सबसे पहले आपने एसेट आइडेंटिफाई कर लिए. नाउ आपने उनकी क्रिटिकलिटी देखनी है कि कौन सा एसेट कितना ज्यादा क्रिटिकल है. जो चीज जितनी ज्यादा क्रिटिकल होती है, उसका नुकसान भी उतना ज्यादा होता है और उसका फायदा भी उतना ज्यादा होता है. उसके बाद आपने ये देखना है कि कितना रेवेन्यू वो एसेट जनरेट कर रहे हैं. लेट्स हैव एन एग्जांपल के
कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो कितना ज्यादा क्रिटिकल है। अब वो जितना ज्यादा क्रिटिकल है उतना उसका फायदा भी आपको ज्यादा हो सकता है, उतना नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बाद अगर आप उसको रिप्लेस करते हैं, वो चीज खराब हो जाती है मतलब वो बदलनी पड़ती है आपको, उसकी वजह से अटैक होता है, तो उसके लिए आपको कितनी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ सकता है और उसके इंपैक्ट क्या होंगे फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर आप पूरे के पूरे हार्डवेयर को रिप्लेस करेंगे, एक तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, कितनी ज्यादा मुश्किल में पड़ेंगे। उसके बाद जो मेन थिंग इज कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा अगर वो चीज अनअवेलेबल हो जाती है। तो इफ देयर इज नो हार्डवेयर तो व्हाट विल हैपन टू योर ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑर्गेनाइजेशन असाइन अनुमेरिक वैल्यूज, एग्जांपल 5 बीइंग एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड 1 बीइंग द लीस्ट वैल्यूएबल। वो ऑर्गेनाइजेशंस ने ना वो जितने भी एसेट होते हैं उनको वैल्यू दी होती है, वो कहती है जो जो वैल्यू 5 है ये ज्यादा क्रिटिकल है, जो 1 वैल्यू वाली चीजें हैं वो बिल्कुल भी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, उनसे इतना ज्यादा फर्क नहीं। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि आपके पास स्वीपर है तो स्वीपर अगर 2 दिन नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो डस्टिंग नहीं होगी, इतना ज्यादा लीस्ट नहीं है। बट व्हाट इफ देयर इज नो टीचर इन ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, दिस इज कैन क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद हम थ्रेट को वैल्यूएट करते हैं, लिस्ट करते हैं पोटेंशियल थ्रेट्स दैट कम फ्रॉम थ्रेट एजेंट्स, ऐसे तमाम थ्रेट्स जो किसी भी थ्रेट एजेंट से आ सकते हैं उनको हमने लिस्ट डाउन करना है। एसेट्स का हमें पता चल गया ये एसेट है, ये इतना क्रिटिकल है, ये कम क्रिटिकल है, ये ज्यादा क्रिटिकल है। अब हमने देखना है कि कौन कौन सा थ्रेट इनको लग सकता है। फैकल्टी को थ्रेट क्या है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो सारी फैकल्टी आपकी ले जाएगी, ये थ्रेट है। बिल्डिंग को थ्रेट क्या है, फ्लड का थ्रेट है, अर्थक्वेक का थ्रेट है, ये सारे थ्रेट्स हैं जो आपने लिस्ट डाउन कर लेने हैं। अ थ्रेट एजेंट इज एनी पर्सन और एनीथिंग विद द पावर टू कैरी आउट द थ्रेट अगेंस्ट एन एसेट। तो एजेंट कौन है, ऐसी कोई भी चीज, कोई इंसान हो सकता है, कोई टीम हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो किसी भी एसेट के लिए नुकसानदेह हो सकता है, वो तमाम चीजें आपके थ्रेट्स में आती हैं, थ्रेट्स एवेल्यूएशन कहते हैं। उसके बाद हम थ्रेट्स की मॉडलिंग करते हैं जिसमें गोल हमारा क्या होता है, अंडरस्टैंड अटैकर एंड देयर मेथड्स। हम कहते हैं कि जी हार्डवेयर के ऊपर ये वाला अटैक हो सकता है, ओके हमने लिस्ट डाउन कर लिया कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है। गोल आपने सेट करना है, क्या सेट करना है, आपने ये चेक करना है कि अगर अटैक होता है हार्डवेयर के ऊपर तो सबसे पहले तो वो किस एजेंट से आ रहा है, और अगर जिस एजेंट से आ रहा है जिसको हम अटैकर भी कह रहे हैं वो कौन से मेथड इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सिंपल है कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन है तो वो इंजेक्शन लगा रहा है। ऑफ्टन डन बाय कंस्ट्रक्टिंग थ्रेट सिनेरियो, तो ये गोल सेट कैसे होता है, वो पूरा सिनेरियो बनाते हैं कि यहां यहां से फायरवॉल से डाटा आ सकता है, यहां से इस कंप्यूटर को हार्म करेगा, देन यहां पे ऐसे जाएगा और ऐसे फैलेगा। उसकी प्रॉपर आपने मॉडलिंग कर लेनी है, एक जो अटैक हो सकते हैं उनकी प्रॉपर मॉडलिंग करनी है, जिसको आप कह सकते हैं कि मॉक एक्टिविटीज जो होती है उस तरह। उसके बाद अटैक ट्री प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल अटैक। जिस अटैक का आपको सबसे ज्यादा डर है उसकी एक एनिमेशन टाइप बना ले, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना ले, जिसको मॉक टेस्ट भी कहते हैं, ड्रॉन एज इनवर्टेड ट्री स्ट्रक्चर, और उसको पेज के ऊपर इनवर्टेड ट्री बना ले। ट्री क्या होती है, दरख्त की शाखें होती हैं, एक तना होता है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और फैल रहा है, ये ट्री है। तो अगर तना ऊपर कर दें यानी कि अटैक ऊपर हो जाए, सबसे मेन चीज रूट ऊपर हो जाए और बाकी सारे तने नीचे हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ट्री। तो मैं यहां पे इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकता बट उसको एज अ इन्वर्टेड ट्री आप उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को लेके आप फॉलो करेंगे। दिस इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का स्टेप नंबर 2,
threat evaluation. Here is inverted tree. देखिए सबसे मेन काम क्या है, तना होता है किसी भी दरख्त का, तो स्टील कार्ड्स टू यू. सबसे पहले क्या हो सकता है जी, कार का जैक तोड़ा जा सकता है, या गाड़ी की चोरी की जा सकती है, या ग्लास को तोड़ा जाएगा. ग्लास को तोड़ा जाएगा तो वो डायरेक्ट कार के अंदर जो स्टीरियो लगा हुआ है वो निकाल लेगा. टेप को कहते हैं स्टीरियो एम्पलीफायर को. उसके बाद अगर वो चाबी लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रैब अ पर्स, मेक अ कॉपी. वो मजीद फर्दर भी इसके ऊपर फिर काम कर सकता है. तो ये एक सिनेरियो है कि अगर कार का स्टीरियो चोरी करना है तो उसमें आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. वंस ही गेट इन टू योर कार तो वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है. यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, देन फर्दर प्रोसीड करेंगे. जी आयशा, हैव एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके, ये भी एक इन्वर्टेड ट्री है जिसमें लॉगिन करना चाह रहे हैं कोई रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट में. अटैक ट्री फॉर लॉगिन इनटू रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट. देखो यहां पर उसने क्या किया, पासवर्ड को लर्न किया, गेट अ पासवर्ड फ्रॉम यूजर, यूजर से लिया, फाइंड रिटर्न पासवर्ड, या फिर उसने रिटर्न पासवर्ड ढूंढ लिए. पासवर्ड ढूंढने के बाद उसने क्या किया, या तो वो की लॉगर इंस्टॉल कर देगा आपके कंप्यूटर में, जो भी आप काम करेंगे वो सारे का सारा उसकी ट्रैकिंग होगी और बकायदा वो हैकर को सेंड होगी, या फिर इसको कहते हैं शोल्डर सर्फ. शोल्डर सर्फ यानी कि कोई वो आपके ऊपर खड़ा है और आपको आपके शोल्डर से देख रहा है अंदर करके कि भाई ये क्या टाइप कर रहा है, पासवर्ड इसने क्या टाइप किया. तो दीज आर द डिफरेंट वेज कि एक पासवर्ड, एक जो लॉग इन अकाउंट है उसमें कोई कैसे एंटर हो सकता है. या तो वो पासवर्ड को गेस करके एंटर हो सकता है, पासवर्ड चोरी करके एंटर हो सकता है. पासवर्ड लर्न दो तरह से किया जा सकता है, यूजर से ले ले, या फिर कहीं रिटर्न लिखा हुआ था वहां से उठा ले. या यूजर से वो कैसे ले सकता है, दो तरह से ले सकता है, या तो कंप्यूटर में की लॉगर इंस्टॉल करके, या फिर शोल्डर सर्फिंग करके. इन दो तरीकों से वो आपके अकाउंट के अंदर एंटर हो सकता है. ओके, वी हैव कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स और इनकी एग्जांपल्स भी हैं. सबसे पहले तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है जिसमें फायर है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, आपका डाटा ऐसे भी डिस्ट्रॉय हो सकता है. कंप्रोमाइज ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, सॉफ्टवेयर इज पायरेटेड, आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया जो पायरेटेड था, तो उसने आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को स्टील करना शुरू कर दिया. एस्पोनेज क्या है, स्पाई करना, स्टील करना प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को. आप कहते हो कि मैं एक प्रोडक्ट बनानी है, ये मेरा स्केड्यूल है, मैंने इसको फॉलो करना है. लेट्स से मोबाइल फोन कंपनीज हर साल एक नया मोबाइल लॉन्च करते हैं, तो वो चार साल के शुरू में ही ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं. उन 20 में उन्होंने 20 जनवरी में उन्होंने डिसाइड करना शुरू किया था कि हमने 21 में कौन सा मॉडल लॉन्च करना है और उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. एक्सटॉर्शन क्या है, ये मेल क्लर्क इज ब्लैकमेल्ड इनटू इंटरसेप्शन लेटर, किसी को ब्लैकमेल करना मेल्स के थ्रू. एक्सटॉर्शन मनी आपने सुना होगा, एक्सटॉर्शन मनी क्या होता है, ब्लैकमेल करके किसी से पैसे निकलवाना. हार्डवेयर फेलियर हो सकता है या हार्डवेयर एरर हो सकता है. फायरवॉल कोई ऐसी इस्तेमाल की है, एग्जाम्पल है इसकी कि फायरवॉल ने क्या किया, सारी नेटवर्क की ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया. ह्यूमन एरर, इंसान से गलती से लैपटॉप गिर के टूट गया. उसके बाद सबोटेज, अटैकर इंप्लीमेंट वॉन एंड दैट रीज द फाइल. सबोटेज होते जानबूझ के, वेंडलिज्म. अटैकर जानबूझ के क्या करता है, कोई ऐसा वॉर्म आपके कंप्यूटर में छोड़ देता है जिससे क्या होगा कि पूरे का पूरा आपका डाटा, फाइल्स आपकी अरीज हो जाएंगे. अरीज का मतलब फॉर्मेट होता है. किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अटैक किया जा सकता है आपके ऊपर, वायरस, वॉर्म, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एनीथिंग.
सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाए, तो ये भी हो सकता है कि आपने कोई 2000 लोगों का डाटा एंट्री किया है और सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ है और वो डाटा भी साथ आपका गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। उसके बाद भी टेक्निकल ऑब्सोलेंस क्या है, प्रोग्राम डज नॉट फंक्शनिंग अंडर न्यू वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चला रहे थे, आपने विंडो अपडेट की, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट किया, अब वो पुराना सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं कर रहा नए ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये टेक्निकल ऑब्सोलेशन है। थेफ्ट क्या है, कमरा खुला हुआ था कोई कंप्यूटर ही उठा के ले गए। यूटिलिटी इंटरप्शन में इलेक्ट्रिसिटी का थ्रेट हो सकता है, पावर कट हो सकती है, जैसे कि पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा इशू है कि आपके आपको ये बहुत ज्यादा थ्रेट है पावर फेलियर का, किसी भी टाइम लाइट जा सकती है। तो आप डाटा एंटर कर रहे थे, रास्ते में लाइट चली गई तो डाटा अनसेव था, सब कुछ गया। उसके बाद ये वर्नेबिलिटी अप्रेजल, इसमें हम अपनी जो करंट वीकनेसेस है उनको देखते हैं कि हमारे यहां पे क्या वीकनेस है, एसेट आइडेंटिफाई हो गए, थ्रेट भी आइडेंटिफाई हो गए कि इस एसेट को ये लग सकता है, अब हर एसेट के अंदर हमने वीकनेस देखनी है। ये बेसिकली एक स्नैपशॉट है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी है उसको देखना, उसका एक ओवरव्यू लेना कि सिक्योरिटी के अंदर क्या वीकनेसेस है। एवरी एसेट शुड बी व्यू इन लाइट ऑफ ईच थ्रेट्स, जितने भी थ्रेट्स हमने देखे हैं पीछे, हर एक थ्रेट को पकड़े और देखें इसके ऊपर कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, इसके ऊपर ये अटैक हो सकता है, इसमें एक्सटॉर्शन अटैक हो सकता है, इस वाले थ्रेट पे ये अटैक हो सकता है। तो हर थ्रेट को पकड़े और हर एसेट को पकड़े और उसको हर थ्रेट के अकॉर्डिंगली चेक करें और फिर उसके कैटलॉग बना लें। अगर कोई वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है उसमें आप कहते हो कि ये वाला हमारा जो एसेट है इसमें इसके ऊपर ये वाला अटैक हो सकता है, तो उसका एक कैटलॉग बना लें। फिर हम करते हैं रिस्क को असेस करते हैं, डिटरमाइन द डैमेज दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम एन अटैक। आप कहते हो अच्छा अटैक हो गया, लेट्स से हार्डवेयर के ऊपर अटैक हो गया, तो अब क्या रिस्क है, कितना हमें इससे नुकसान हो सकता है। असेस करना लाइकलीहुड दैट वल्नरेबिलिटी इज रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को असेस करना कि ये वल्नरेबिलिटी का कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है, इस वल्नरेबिलिटी से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को। जी, वर्नेबिलिटी असेसमेंट को वंस अगेन यहां पे टेबल के अंदर मेजर कैटास्ट्रोफिक, किन चीजों का इंपैक्ट है, किन चीजों का कम इंपैक्ट है, किसका सिग्निफिकेंट है, किसका मेजर है, किसका कैटास्ट्रोफिक है। नो इंपैक्ट, द वर्नेबिलिटी वुड नॉट इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी वर्नेबिलिटी जिसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है। The threat of the mouse attached to a desktop computer would not affected the operation of organization. Example दीजिए, ये mouse खराब हो गया तो उसका क्या क्या effect हो सकता है उसका। आप कहते हो ये mouse मैंने ले लिया इतने का, तो ये threat है कि ये खराब हो जाएगा, इसमें ये vulnerability है कि इसकी जो laser light है वो बिल्कुल सही काम नहीं कर रही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी चीजें जिनका स्मॉल इंपैक्ट है वो कौन सी हो सकती है। स्मॉल इंपैक्ट वल्नरेबिलिटीज वुड प्रोड्यूस लिमिटेड पीरियड ऑफ इनकन्वीनियंस एंड पॉसिबिलिटी रिजल्ट इन चेंजेस टू प्रोड्यूस। छोटा सा इंपैक्ट ऐसी तमाम चीजें, उसकी एग्जांपल भी गिवन है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट की डिस्क्रिप्शन भी है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके के साथ। कैटास्ट्रोफिक की भी है, एक स्केल बना हुआ है कि कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है, कितनी ज्यादा इंपैक्ट होता है डिफरेंट जो वर्नेबिलिटीज है उनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। देन वी हैव रिस्क मिटिगेशन, डिटरमाइन व्हाट टू डू अबाउट द रिस्क। अब ये डिटरमाइन करना कि हमने इन रिस्क का करना क्या है, या फिर हम ये डिटरमाइन करना कि हम ये रिस्क को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं।
अब नेचुरल डिजास्टर है तो उसको कोई रोक तो सकता नहीं है, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। रिस्क कभी भी खत्म नहीं होता, ऑलवेज कीप इन माइंड, बट उसको हम लिमिटेड कर सकते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर के केस में आपके पास प्लान बी क्या है, वो आप मिटिगेशन के अंदर देखते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। वंस अगेन इन चीजों को वही एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर डिसाइड किया हुआ है कि रिस्क मिटिगेशन में डिसाइड ये किया जाता है, और रिस्क असेसमेंट में ये होता है, वल्नरेबिलिटी अप्रेजल में ये होता है, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन में ये होता है। जी, तो उसके बाद है हमारे पास